गाड़ीगढ़ क्षेत्र के विक्रम नगर मोहल्ले के लोगों ने गली की खस्ता हालत को लेकर संबंधित विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द यहां पर विकास कार्य की शुरुआत नहीं हुई तो आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवक बलवीर सिंह अजी ने कहा कि बारिश होने पर सारा पानी गली में जमा हो गया, जिस कारण लोगों को जहाँ से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बलवीर सिंह सेक्रेटरी विक्रम नगर गुरुद्वारा साहब के सेक्रेटरी और हमारी जो ये कॉलोनी है विक्रम नगर, ये आज तकरीबन 30 साल से ये कॉलोनी बनी हुई है। आज 30 साल से लेकर आज दिन तक ये गली हमारी आज तक रिपेयर नहीं हुई, तो ना ही आज तक किसी ने जहां ध्यान दिया, जबकि हम जहां के जितने भी लोग हैं हम सब जाने के लिए तैयार हैं। हम अफिसर अपना जहां के सिटिंग एमएलए के पास भी गए और जो हमारे एमएलसी साहब रंधावा साहब हैं उनके पास भी गए, बहुत बार गए, लेकर हमारी इस इलाके की बदकिस्मती के आज दिन तक ये कली हमारी पक्की नहीं हुई। जहां बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम डेवलपमेंट कराएंगे, हम गलियों पक्की कराएंगे, हम बिश्नाह म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन राजन शर्मा और बिश्नाह के कारपोरेटर साहिल गुप्ता ने वार्ड नंबर 7 बिश्नाह में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक जरूरतमंद परिवार के घर की छत डाल के शुभ आरम्भ किया। युवा सर्विस तथा खेल विभाग जम्मू की तरफ से ब्लॉक मीरा साहिब की पंचायत खारिया में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत करवाई, जिसमें ब्लॉक की 4 पंचायतों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में कैरम बोर्ड तथा चेस प्रतियोगिता में बच्चे भाग ले रहे हैं। खारिया पंचायत के सरपंच पवन राणा तथा टांडा पंचायत के सरपंच मोहम्मद सदीक मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता की शुरुआत करवाई। इसमें हमारी मैडम मिडिल स्कूल की मैडम कोर ये ऑर्गेनाइज किया है हाई स्कूल में। इसमें हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान का भी बहुत कामन है और यहाँ 4 पंचायतों से लगभग बच्चे आए हैं। मेरे ख्याल में 300 लड़के हैं और 150 लड़कियाँ हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपील करता हूँ तमाम अपनी पंचायत के सरपंचों से, हर सरपंच को चाहिए कि वो अपने अपने इलाके में जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं और जो स्पोर्ट्स के बारे में सरकार की पॉलिसी श्री बाला साहब ठाकरे शिव सेना बाला साहब ठाकरे की आरएसपुरा इकाई द्वारा पवित्र नवरात्रों के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी सेना ने आरएसपुरा प्रधान बाबा राम महासचिव रिंकू कुमार तथा शहरी प्रधान राजकुमार ने आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने भक्तजनों से अपील करते हुए कहा कि भारी संख्या में इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य के बागी बने। श्री बाला साहब ठाकरे महासचिव आरएसपुरा रिंकू कुमार सभी भक्तजनों से माँ भगवती के चरणों में जाने की अपील करता हूँ कि पहला नवरात्रा जो शोभा यात्रा इस बार हो रही है और माँ भगवती के चरणों में बैठ कर के वहाँ छड़ी यात्रा जो है वहाँ पे प्रचंड की जाएगी छड़ी, और सभी भक्तजनों से ये अपील है कि शोभा यात्रा में हिस्सा लें। सर ये आरसपुरा से शुरू होगी और कटरा तक जाएगी।